बेनती करता मैं यार कट्टे हो गए आप लड़िए कट्टे हो गए लड़ लो नहीं मारे जावे किसान नेता रुलदू सिंह दे पोतरे नूं शराब दे ठेकियां खिलाफ विरोध करना उस वेले महंगा पै गया जद पुलिस प्रशासन ने बाजार विच बिना मास्क पाए विरोध करन दे दोष हेठ उस नूं फड़ के थाने बंद कर दिता अते उस दा मास्क ना पाउण दा चलान कर दिता। 6 बजे तो बाद भी शराब का ठेका खुले रहने के विरोध वजो रुलदू सिंह का पोतरा सुखजीत अपने साथियों समेत प्रदर्शन करके प्रशासन खिलाफ नारेबाजी कर रहा सी। इस दौरान सुखजीत भावुक हो गया ते अखां विच पानी लई हथ बन के सब नूं सरकार दी दोगली नीति लई एकजुट होण दा हौका दिता। जिम्मेवारी आ सानू मार रहे ने असी थोनू भरावो इको हथ बन के बेनती करदा मैं यार कट्टे हो गए आप लड़िए कट्टे हो गए लड़ लो नहीं मारे जावे हथ बन के बेनती करदा बितकरे कर दिया ने सरकार हूं थोनू असी असूली गल कहने साडे नाल साडियां दुकानां ते करोना कित्थों आ रहा जो इत्थे करोना नहीं साडे गरीब बंदा दिहाड़ी करन वाला बंदा कित्थे जाऊगा भुखे मरांगे। इस मगरों पत्रकारां नाल रूबरू हुंदिया सुखजीत समेत बाकी प्रदर्शनकारियों ने की कहा तुहानू सुणाउंदे आ। यह मामला सिर्फ इन्ना जी साडे नाल हो रहा बितकरा पूरे तौर ते पूर्ण तौर ते सरकार वल्लों पुलिस प्रशासन वालों साडे नाल बितकरा करिया जा रहा। यह शराब के ठेके खुले ने ते साडे जिहड़ियां साडियां दुकानां ने साडे होर रुजगार ने वह सारे बंद करा दिते गए ने। यह कित्थों दा इंसाफ आ साडे गरीबां नूं मारन दीआं नीतियां सरकार दीआं गंदियां नीतियां साडा किसान मंडियां च रुल रहा करोना उत्थे नहीं आउंदा। यह सरकार नूं पुछण वाला होवे मानसा च इक वेंटीलेटर नहीं एक वेंटीलेटर की सहूलत नहीं इन्होंने चलान कट्टे ने किधर गया हिसाब दिओ सानूं हिसाब दिओ असी हिसाब मंगदे आ। यह बितकरा करदियां ने जी सरकार असी सरकार का विरोध कर रहे हैं इन्ने इकट्ठ च तुसीं देखिआ नौजवानां च गुस्सा साडियां जिम्मां बंद कर दित्तियां गईआं साडे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिता गया। यह शराब के ठेके शरेआम चल रहे ने चोर मोरिया राही शराब बेची जा रही है असी उहदे विरोध करन दे चक्कर च असी इत्थे आए हुए हैं। असी जी इत्थे पंजाब सरकार मुर्दाबाद नारे इस करके ला रहे हैं कि इन्हां दे ठेके खुले नेगे साडे आम नागरिक नेगे जिहड़े उहनां दी दुकानां बंद करतीआं असी इन्हां दी सरकार दी हदायतां दी असी पालना करदे आ साडा आम वर्ग पालना करदा है ठीक है। इन्हां ने 6 बजे सानूं हुक्म कीते भी दुकानां बंद करो असी आप दीआं दुकानां बंद करके घरां नूं चले जांदे आ। इह ठेके ही क्यों खुले रहिंदे ने क्योंकि इह सरकार दे ठेके ने इत्थे इहनां नूं मोटी कमाई हुंदी आ इह तां खुले रहिंदे ने। सानूं मानसा दा पुलिस प्रशासन मिलिया असी उहनां नूं रोकिआ उहनां ने साडी गल सुणी असी उहनां नूं कहा कि इह ठेका खुला जनाब इत्थे चोर मोड़ी राहीं शराब वंडी जा रही आ उन्होंने खुद देखा पर सानू प्रशासन अगों जवाब आया तुसीं सारे सुन के हैरान होवोगे सानू प्रशासन ने कहा कि कोई गल नहीं तुसीं बंद करा दो। कमाल की गल है यार जिहड़े चीज़ प्रशासन नहीं बंद करा सकता वो एक आम नागरिक बंद कराऊगा। जे साडियां दुकानां खुल्लियां हुंदियां तां प्रशासन बंद कराऊगा जे ठेके खुले ने तां आम नागरिक बंद करवाऊगा। यह कित्थों दा इंसाफ है यह बितकरा साडे नाल ही क्यों हो रहा है यह चोर मोरिया शराबा वंड रहे ने मोटी कमाई कर रहे ने। साडी यही मंग है कि सरकार जां तां साडियां दुकानां भी बराबर खोले जिन्ना टाइम ठेके खुले रहणगे साडियां दुकानां खुल्लियां होणगियां जां ठेके बंद कर साडी दुकानां दे बराबर करे जाण कोई चोर मोरी ना होवे कोई ठेके तों शराब ना वंडी जावे असीं सरकार नूं यही अपील करदे आ। सर ठेके तां खुले पए ने आम दुकानां बंद कीतियां पईआं ने जिहड़ा गरीब बंदा रेहड़ी वाला बंदा हैगा जिहड़ा रोज दा 400 रुपया 500 रुपया कमा के घरे वड़दा हैगा उह खाली हत्थ वड़दा हैगा कारण की है सरकार दा कारण इह यार क्यों सानूं भुखे मारिया यार इस गल मारे इन्हें थोड़ा की मिल जूगा साढ़े जिम बंद करते स्कूल बंद करते बच्चे घर बैठे ने एक गल का कोई मेरे कोई हल नहीं है इस चीज़ का। सानू तो यही अपील है बई जी भी सानू हरेक बराबर हक दिता जाए पहला टाइम सी 8 बजे का फिर 6 बजे का करता 6 बजे तो बाद कमाई शुरू होंगी गरीब लोगों की आ रेहड़ी वाला बंदा हो गया ठीक है आटो चालक हो गया
रिक्शा चालक हो गया, इन्हों की कमाई बंद करती इन्होंने, वह गरीब बंदा कितों खाऊगा, असं कितों खावे, 6 तो बाद कमाई शुरू होंगी इन्हों की। उतें ही मौके पर पहुंचे मानसा के SSP ने कहा कि कोरोना गाइडलाइनस की जो भी उलंघना करेगा उस खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिथे तुहानूं शॉर्ट है कि जिहड़ा कोई दुकान बंद करने तो बाद कोई कर रहा है आपां कार्रवाई करा देना। मानसा दे विच बंद दा किस तरह दा हुलारा मिल रहा है? तुसीं खुद देख सकते हो कि सारे लोग जिहड़े हैगे ओह बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब जिहड़ा अपना कोविड का चल रहा है उत्ते काफ़ी कंट्रोल भी चल रहा है हुण पिछले 2-3 दिनों तो, मतलब अपने केसिस कंट्रोल च है, तो आप हुण अगले हफ्ते पर मैं लगता कि आप जिस करीब फॉलो करांगे ते काफ़ी मतलब बड़ी तादाद च जिहड़ा हैगा आपां नूं इस च कामयाबी मिलेगी कोरोना ते काबू पाउण च। सर जिहड़ी आम आवाजाई है जिहड़ी 6 बजे तों बाद तो छूट है जां जिस तरहां लोक घूम रहे ने बसां दे विच आ जा रहे ने? जिहड़ा एक जिले तों दूजे जिले ते जाणा, एक थां तों दूजी थां ते जाणा जिहड़ा हैगा उस च छूट है कि कोई कितों दूजे जिले तों आ रहा होवे कोई काम वास्ते जा रहा होवे उहनूं अलाउड हैगा जी। 2 & 4 जिहड़ा हैगा, तुसीं गाइडलाइन पढ़ी होणी, 2 & 4 जिहड़ा हैगा उह अलाउड हैगा। सर कुछ नौजवान अज बस स्टैंड दे बाहर हंगामा कर रहे ने, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV।